बहुत आसान नहीं होगा, कतई आसान नहीं होगा, मुश्किल चुनौती है, लेकिन जो बहादुर होते हैं वो इन चुनौतियों को बांटते हैं, पार पाते हैं। क्या मीराबाई चानू कर पाएंगे 115 किलो का ये दूसरा अटेम्प्ट मीराबाई चानू का? भरपूर एफर्ट, और लीजिए शानदार, दिल जीता है यहाँ मीराबाई चानू ने। न सिर्फ दिल जीता, भारत के लिए पदक भी जीता। ये है बड़ा क्षण भारत के लिए, क्योंकि एक बार फिर पोडियम पे ओलंपिक गेम्स में एक भारतीय महिला वेटलिफ्टर पदक ग्रहण करती हुई। मणिपुर में रहने वाली मीराबाई चानू जी सिल्वर पदक जीतने वाली भारत की पहली वेटलिफ्टर बन चुकी हैं। मात्र 26 वर्ष की उम्र और ढेर सारा हौसला लिए मणिपुर के छोटे से गांव में रहने वाली मीराबाई चानू जी का ट्रेनिंग सेंटर उनके घर से 22 किलोमीटर की दूर था, जहां से उन्होंने वेट लिफ्टिंग की शुरुआत करी थी। 2018 में इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। भारतीयों के लिए ये तो बहुत गर्व की बात है। वहीं दूसरी और गोल्ड मेडल जीतने वाली चाइना की वेट लिफ्टर हु जीहुई की एक फोटो के कारण चीन ओलंपिक समिति से नाराज हो गया। चीन ने कहा है कि जो रॉयटर्स ने ट्विटर पर जो खिलाड़ी की तस्वीर जारी की है वो बहुत भद्दी है और राजनीति खेली गई है। उस फोटो से चीन को बदनाम किया जा रहा है, लेकिन हम जैसे भारतीय बहुत खुश हैं, क्योंकि हमारे लिए सच में गर्व की बात है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आगे भी वीडियो देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को